नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तो आ गए हैं, अंतरिम जमानत भी मिल गई है, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वो जिस तरीके से झूठ फैला रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलते ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पहले तो योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उन्हें साइडलाइन किया जाएगा और उसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी तो 2025 में 75 साल के हो जाएंगे और उन्होंने ही ये पॉलिसी बनाई है कि 75 साल के बाद राजनीति में कोई सक्रिय ना रहे। तो ऐसे में वो अमित शाह के लिए वोट मांग रही है, यानी अरविंद केजरीवाल का साफ कहना था कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व नहीं करेंगे बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जब से ये बयान सामने आया केजरीवाल का, उसके बाद से ही बीजेपी के नेता लगातार उन्हें बयान दे रहे हैं। पहले अमित शाह ने जवाब दिया और अब जेपी नड्डा का भी गुस्सा फूटा है। पहले आपको शाह का बयान बताते हैं, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा था। देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडिया अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है, ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए। अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा का गुस्सा भी फूटा है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल और विपक्ष अपनी हार को सामने देखकर बौखला रहा है, वो सिर्फ देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी नड्डा ने लिखा, केजरीवाल और पूरा इंडी गठबंधन चुनाव में विफलता का एहसास कर बौखला गए हैं, देश को भटकाने और भ्रमित करना ही इनका उद्देश्य है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ पीएम मोदी को जनता का प्रचंड आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम मोदी के सामने ना तो इनके पास कोई नीति है और ना ही कोई कार्यक्रम है। अब पीएम मोदी की उम्र का बहाना लेकर रास्ता ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जानती है कि पीएम मोदी का कण कण और क्षण क्षण भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और अपने अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में पीएम मोदी देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कोई भी गलत फहमी ना पाले, ये कहना है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का केजरीवाल के बयान पर। आप बताइए, केजरीवाल ने जिस तरीके से जेल से बाहर आते ही ये बयान दिया जो बिल्कुल बेतुका लगता है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नजर नहीं आता, इसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर।